नमस्कार, मैं रुचि पांडे और आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र दरबार के साथ, जहां हम आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय मसले जिनका हो सकता है आपसे सीधा सरोकार। सबसे पहले आज के सवाल, फिर रुक करेंगे खबरों का। क्या किसान आंदोलन अराजकता का केंद्र बन गया है? किसान आंदोलन अब देश के लोकतंत्र को शर्मिंदा करने लगा है। आखिर किसान नेताओं को क्यों असामाजिक तत्वों का सहारा लेना पड़ रहा है? संसदीय समिति के सामने ट्विटर की पेशी, क्या सुधारेगा ट्विटर? किसान आंदोलन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया है। मृतक की पहचान कसार गांव निवासी मुकेश के रूप में हुई है। आरोप है कि मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। इसके बाद मुकेश और उन लोगों में कुछ कहासुनी हो गई है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। किसान आंदोलन में गए गांव कसार के ही एक व्यक्ति को तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति की कुछ घंटों बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। आंदोलन में शहीद होने का नाम देकर कसार निवासी मुकेश पर तेल छिड़का गया और फिर आग लगाई गई। इसके पहले उसे शराब भी पिलाई गई। मृतक के परिवार का सीधे तौर पर आरोप है कि घटना के चारों आरोपी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक मृतक के भाई ने बताया कि यहां उपचार के दौरान मुकेश ने बताया कि आंदोलन में कृष्ण नामक एक व्यक्ति ने पहले शराब पिलाई और फिर उसे आग लगा दी। इससे वह बुरी तरह झुलस गया। सिविल अस्पताल में गंभीर रूप से झुलसे मुकेश को चिकित्सकों ने रेफर किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को सिविल अस्पताल के सामने रख प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। डीएसपी पवन कुमार मौके पर परिजनों को समझाने में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि चारों आरोपियों ने मुकेश पर कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़का था और उसे आग लगाई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल उसकी जांच चल रही है। अब यहां समझने वाली बात ये भी है कि क्या अब आंदोलन सिर्फ अराजकता का केंद्र बन चुका है? और अयाशी का अड्डा पहले भी देखा गया है कि कैसे आंदोलन स्थल पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। बताने वाले ये भी बताते हैं कि अब असल किसान इस आंदोलन से दूर हो चुके हैं और उनका इस आंदोलन से मोह भंग भी हो गया है, क्योंकि उन्हें इस आंदोलन से और इससे मिलने वाले परिणामों से कोई बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रह गई है। क्योंकि देखा ये गया है कि बाद में सभी किसान नेता और प्रमुख रूप से राकेश टिकैत अलग अलग चुनावी राज्यों में जाकर मोदी सरकार के खिलाफ और विपक्ष के पक्ष में चुनाव प्रचार करने लगे, जिससे इस आंदोलन की प्रासंगिकता को आम किसान के बीच में कम किया है। क्योंकि आंदोलन का नेता किसी भी पक्ष और विपक्ष का नहीं होता, उसका एक ही पक्ष होता है, जिसे जन पक्ष कहते हैं। लेकिन समय के साथ किसान नेताओं के बीच में से जन पक्ष की भावना खत्म हो गई है और उन पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कोसने की भावना प्रबल हो गई है, जिस कारण से आम आंदोलनकारी इस आंदोलन में उदासीनता महसूस करने लगे हैं और इस आंदोलन का जनाधार खत्म हो गया है। और अगर आंदोलन को जबरदस्ती बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा तो इस तरह के सामाजिक अराजक तत्वों का सहारा लेना पड़ेगा, और आंदोलन से अगर अराजक तत्व जुड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं भी होंगी। अगर किसान आंदोलन से इसी तरह से खबरें आती रही तो ये कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले सशक्त आंदोलन और गुणवत्तापूर्ण लोकतंत्र के लिए सही संदेश नहीं है। ये थी मुख्य खबर, अब रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, साइबर ठगी के शिकार हुए लोग अब आसानी से अपनी मेहनत की कमाई वापस हासिल कर पाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। साइबर ठगी का शिकार कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 155260 पर इसकी सूचना दे सकता है। दूसरी सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 फ्रंटलाइन वर्करों के लिए क्रैश कोर्स को लॉन्च करने के साथ ही महामारी COVID-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज शुरू किए जा रहे क्रैश कोर्स के जरिए 1,00,000 वॉरियर्स को महामारी का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्रैश कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्करों को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि वे जल्द ही हेल्थ केयर वर्करों के सहयोग के लिए तैयार होंगे। तीसरी सुर्खी, नए IT नियमों पर खींचतान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने आज शाम 4 बजे ट्विटर के प्रतिनिधि को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। समिति ट्विटर से ये जानना चाहती है कि वह इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर रही है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के उल्लंघन के कारण ट्विटर की मध्यस्थ की मान्यता भी खत्म कर दी है। अंतिम सुर्खी, डोमिनिका की मजिस्ट्रेट अदालत ने भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को गुरुवार को जेल भेजने का आदेश दिया है, लेकिन उसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चलता रहेगा क्योंकि उसकी तबीयत और बिगड़ गई है। भारत में चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस हिरासत को जेल हिरासत में बदल दिया गया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।